और मरुधरा पर मेहरबान मेघ। राजधानी जयपुर में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। जिला कलेक्ट्रेट बनी पार्क सहित अन्य इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। और देखिए ये तस्वीर जहां पर एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो चुका है, जलभराव एक बार फिर से देखने को मिल रहा है क्योंकि मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया था मौसम को लेकर। प्रदेश में एक बार फिर से मानसून एक्टिव हो चुका है। प्रदेश के अलग अलग इलाकों के अंदर रुक रुक के बारिश का दौर जारी है तो कहीं पर अति भारी बारिश और भारी बारिश भी दर्ज की जा रही है। और इन सब के पीछे वजह बताई जा रही है दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के ऊपर बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन, जो पहले लो प्रेशर था अब कमज़ोर होकर साइक्लोनिक सर्कुलेशन में तब्दील हो गया। साथ ही आने वाले 24 घंटे के अंदर बंगाल की खाड़ी के अंदर एक नया लो प्रेशर एरिया बनेगा और उसके बाद फिर राजस्थान के अंदर झमाझम बारिश होगी। खास तौर से कोटा संभाग, अजमेर संभाग, उदयपुर और जोधपुर संभाग में भारी बारिश और अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और यही नहीं, जयपुर और भरतपुर संभाग के अंदर रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहेगा। आने वाले 3-4 दिनों तक मानसून एक्टिव रहेगा और इसी तरह की झमाझम बारिश रहेगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि सितंबर के पहले हफ्ते के अंदर शुरू हुआ ये बारिश का दौर बड़ी खुशियां लेकर आने वाला है। बिसलपुर बांध के कैचमेंट एरिया के अंदर लगातार बारिश हो रही है जिसके चलते बिसलपुर बांध के गेट कभी भी खोले जा सकते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो राजस्थान के तमाम जो बड़े बांध हैं, छोटे बांध हैं, उन सब में पानी की आवक बनी हुई है और ये माना जा रहा है कि बारिश का स्पेल जब इस हफ्ते के अंदर ख़त्म होगा तब तक सभी तमाम बांध भर जाएंगे। कैमरा पर्सन साहिल के साथ जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।